अस्सलामुअलैकुम। हम आज बनाएंगे अंडों की पुटी। इसके लिए चाहिए हमें 8 अंडे, 150 ग्राम शक्कर, आधा टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आधा टीस्पून वैनिला एसेंस, चुटकी भर ज़ाफ़रान और 600 ml दूध। पुटिंग के लिए हमें जो भी आपके पास 150 ml दूध आ सके, ऐसा कोई भी कप है तो आप उस कप के हिसाब से, एक कप के हिसाब से 2 अंडे डालें, तो आप फिर चाहे जितने चाहे बना सकते। तभी हम 4 कप दूध ले रहे हैं, उसके हिसाब से 8 अंडे लिए हमने। दूध को थोड़ा बॉईल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम शक्कर डालेंगे, 1 कप शक्कर। अगर आपको फीका लगे तो आप और डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा दूध लेकर उसमें कॉर्नफ्लावर को घोल लिया है, अच्छी तरह घोल ले, फिर उसमें डालकर बॉईल करें। इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने दें। ये ऐसा बॉईल होने तक इसको पकने दे, थोड़ा जब ठीक होने लगे तो फिर गैस बंद कर दीजिए। ये दूध को हमने एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा कर दिया है। फिर उसमें चुटकी भर नमक डालें और फिर ये वैनिला एसेंस जो हमने निकाल के रखा था वो डालें। फिर हम एक के बाद एक इसमें अंडे डालेंगे। ये पूरे 8 अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसे ब्लेंड कर देंगे। आप चाहे तो इसे सादे ब्लेंडर से भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर के जार में भी। इसको हमने चारों तरफ से बटर लगा लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें चैन से ये बैटर डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा चुटकी भर केसर, बाद हम माइक्रोवेव में हाई हीट पर 25 से 30 मिनट तक से पकने देंगे। लीजिए, ये हमारी पुटिंग अब तैयार हो चुकी है। इसे हम फ्रिज में 20-15 मिनट रखकर चिल्ड होने के बाद इसे सर्व करेंगे।